जिस वक्त सब सो रहे होंगे उस वक्त भी तुझे जाकर पढ़ना होगा। जो बड़ा सपना तूने अपने लिए देखा है उस सपने के लिए तुझे अपनी दिक्कतों को पीछे छोड़कर दिन रात खुद से लड़ना होगा। तेरी लड़ाई उन लोगों से है जिनके पास अच्छा स्कूल है, पैसा है, अच्छी कोचिंग है, वो हर सुविधा है जो पढ़ाई में उनके लिए जरूरी है, और तेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं है। अगर है तो बस तेरी सच्ची मेहनत, लगन और दिल में जीतने का हौसला। इसलिए अपने ध्यान को केंद्रित कर, क्योंकि कड़ी मेहनत करना ही सफलता प्राप्त करने की असली चाबी है। जहां एक अमीर स्टूडेंट के पास सारा वक्त बस पढ़ने के लिए है और तेरे पास वक्त भी उनसे कम है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ तुझे घर की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना है, दो वक्त की रोटी का इंतजाम भी तुझे खुद करना है और अपनी पढ़ाई के खर्च का सारा बोझ भी तुझे खुद उठाना है। जहाँ एक अमीर स्टूडेंट को पढ़ाई से जुड़ी हर एक सुख सुविधा विरासत में मिली है, वहीं तुझे विरासत में बस भूख प्यास, दर्द और घर की जिम्मेदारियों का बोझ मिला है। जहाँ उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना होता है, वहीं तेरे दिमाग में ये सब बातें होती हैं कि कल अगर मैंने काम नहीं किया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, खाना कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कैसे जमा होगी, किताबों के पैसे कहाँ से आएंगे। अगर ये सब बातें तेरे दिमाग में है तो एक बात हमेशा याद रखना, कोयले को हीरा बनने के लिए सैकड़ों साल तक लाखों टन का दबाव झेलना पड़ता है और तब जाकर वो असली हीरा बनता है। तेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि मैं कैसे उन लोगों से कंपटीशन करूंगा, कैसे उनसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। तो मेरे भाई ये बात आज सुन ले, जहाँ तेरा वक्त अपनी लाचारियों और मजबूरियों को पूरा करने में लगता है, वहीं कुछ स्टूडेंट आजकल फेसबुक, टिकटॉक, इंटरनेट और झूठे रिलेशनशिप के चक्कर में पड़कर न जाने अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपनी सक्सेस की दौड़ में धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। जहां तेरे लिए अपने काम को खत्म करके किताबों के सामने आना सबसे ज्यादा जरूरी है, वहीं उनके लिए ऑनलाइन आना और अपना कीमती वक्त इन चीजों में बर्बाद करना आज ज्यादा जरूरी बन गया है। वो इनके आदि बन चुके हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कब उनका ये कीमती वक्त इन चीजों में बर्बाद हो गया और धीरे धीरे करके उन्होंने कितना वक्त पढ़ाई से हटाकर इन चीजों में बर्बाद कर दिया है। आज जो सुविधाएं उन स्टूडेंट्स को उनकी फैमिली ने दी हैं, वही उनके लिए अभिशाप बन जाएंगी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि विज्ञान जहाँ हमारे लिए वरदान है वही अभिशाप भी है। अगर हम उन चीजों को गलत यूज करेंगे तो जिंदगी में आने वाले नतीजे भी गलत ही होंगे और उस वक्त हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। ये पछतावे की आग हमें तब महसूस नहीं देती जब हम अपना कीमती वक्त ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, ये आग हमें तब महसूस देती है जब हम अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। उन लोगों की यही गलतियां उनको सक्सेस के रास्ते से पीछे धकेल देती हैं और तुझे उनसे आगे कर देती हैं। बस तुझे अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उनको भी निभाना है और पढ़ाई में पूरी ईमानदारी से लगे रहना है। मेरा वादा है तुझसे, एक दिन ऐसा आएगा तेरी सारी परेशानियां तेरी सच्ची मेहनत के आगे घुटने टेक देंगी, सक्सेस तेरे कदम चूमेगी और जो सपना तूने बचपन में देखा था वो जरूर पूरा होगा। ये बात याद रखना कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं और जो खुद रास्ता बनाए वही सच्चा इंसान है। इस वीडियो में हमारे विचार अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मेरा आपसे दिल से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।